हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में आने वाले हैं और आपको इसकी तैयारी की अभी ज़रूरत है। बट आप कहीं भी तैयारी करो, आपको बहुत ज़्यादा मेटल पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है, लेकिन एनसीईआरटी आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ ही दिनों में आपके लिए एमसीक्यू बुक्स भी रिलीज कर दी जाएगी, बहुत जल्दी एमसीक्यू बुक्स लगभग रेडी होने वाली है, बहुत जल्द उसके लिए रेडी कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी आप सभी के लिए। बट आप सभी को इतना है, पहले आपको क्लासेस लेनी होगी, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा क्लासेस लेंगे। एग्जाम डेट आने से पहले आपको बुक्स नहीं मिलेगी, जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक आपको हम रिलीज नहीं करेंगे उसको, ठीक है। जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तब से आपके लिए एमसीक्यू बुक्स रिलीज कर देंगे, ताकि आप उसका अच्छे से सॉल्व कर सको। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्लास हम पहले ले चुके थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व वालों के, एक क्लास बायो साउट के नियम अगर अपन पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम इसके आगे कुछ और नया पढ़ने वाले हैं जो आज आपके लिए अलग ही रहेगा। आज इस चैप्टर को थोड़ा बहुत ही शॉर्ट क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी क्लास आपके लिए नहीं रहेगी, लगभग 8-10 मिनट की क्लास आपके लिए रहने वाली है। इसमें कुछ ही पढ़ेंगे क्योंकि आज फिर नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था गतिमान आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये पढ़ लिया था अपने, बायो साउट का नियम पढ़ लिया था, ये अपने इसमें नहीं है, सिलेबस को छोड़ सकते हो आप हालांकि। बट अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकार और परिणाम और चित्र के आधार पर, एक परिमित यानी कि परिमित एक लिमिट लंबे तार की एक मतलब लिमिट वाले तार की लंबाई के कारण विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बस अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है। परिमित या लिमिटेड, एक लिमिटेड लंबाई वाले तार के या लंबे तार भी बोल सकते हैं, लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आएगा कितना, बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा कौन कौन, साइन थीटा 1 ये है, साइन थीटा 2 है, बस आप उनको फॉर्मूला याद रखना। डायरेक्ट अपन से पूछ सकता है कि परिमित लंबाई के कारण, परिमित लंबाई के तार पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ सकता है परिमित लंबाई के। इसी प्रकार अपरिमित यानी कि अनंत लंबाई का ही पूछेगा, एक तो सीमित लंबाई और एक अनंत लंबाई। अपरिमित का मतलब क्या होता है, अपरिमित का मतलब होता है असीमित अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। देख सकते हो अनंत लंबाई का आपको नजर आ रहा होगा। अब बात करते हैं अर्ध अपरिमित लंबाई की, यानी कि क्या अर्ध अपरिमित यानी कि अनंत लंबाई, आधा है तार, आधा है बट उसकी लंबाई क्या है, अनंत है। अनंत लंबाई का अर्ध तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो अर्ध लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd अपॉन साइन थीटा प्लस 1। तो ये किसके लिए हो गया, अर्ध। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अनंत लंबाई के तार के कारण, ठीक है, ये तो हो गया। अब लास्ट में जो बात करते हैं अर्ध अपरिमित लंबाई के तार के कारण, तो अर्ध इसमें जो ये वाला है इसको परिमित है, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, ये परिमित है, अर्ध परिमित लंबाई के कारण तार और ये अर्ध अपरिमित के कारण ये होगा। तो ये देख सकते हो आप, ये चारों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, चारों फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। और विशिष्ट स्थिति की बात करें, मान लो अपन को कोई विशिष्ट स्थिति दे दी, तो उसमें परिमित लंबाई, विशिष्ट स्थिति पर परिमित लंबाई के कारण तार, तो देख सकते हो आप इसमें ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है, म्यू नॉट आई पाई 4πd साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले सब अपन करवाएंगे लास्ट में, जब आप अपना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सारे चैप्टर, जब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए, तो कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, 30 प्लस आप स्कोर इजीली तरीके से करोगे इसी बुक्स से और हमारी क्लासों से। ये बुक्स आप सभी अपने घर पर मंगवा सकते हो, प्रिंटेड बुक्स अभी पेंडिंग चल रही है। जिन स्टूडेंट्स ने, मैं एक बार नाम बता देता हूँ, अगर क्लास देख रहे हो स्टूडेंट्स तो ये सुन लेना कि अरविंद, रितु, सतीश, सीताराम और राहुल कुमाऊत, अभी आपकी बुक्स पेंडिंग है, अभी आपके बुक्स भेजना बाकी है, क्योंकि क्या ना अभी स्टॉक में ख़त्म हो गए, तो जल्दी एक दो दिन में आते स्टॉक आते हैं, मैं आपके घर पर बुक्स भेज दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो घबराना नहीं कि आपके पैसे बिगड़ दे, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके पैसे हमारे पास सेव है, तो हम आप चारों पाँचों सेट्स आपके साथ, चारों पाँचों कैंडिडेट्स के बुक्स जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है।
आगे हम बढ़ते हैं, आगे आती धारावाही समतल वर्त्य कुंडली के कारण। जो धारावाही समतल वर्त्य कुंडली है उसके कारण क्या बताना है अपन को, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बताना है। जो ये घूम रहा है ये कौन सी दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। और इसके लिए धारावाही वर्त्य कुंडली के कारण, तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाए कि धारावाही समतल वर्त्य कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा अपना B0 μ0 I2R। ठीक है, ये किसके लिए कारण होगा, ये होगा आपके वर्त्य कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ अगर इसको वर्त्य को अगर केंद्र की बात करें, धारावाही कुंडली, धारावाही वर्त्य कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो धारावाही वर्त्य कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा, क्योंकि जो एन एन क्या है यहाँ पे गियरों की संख्या है, तो इसमें एन जोड़ देंगे बस, ओनली सेम फॉर्मूला रहेगा। ये तो किसके कारण, कुंडली वर्त्य कुंडली के कारण है, और ये कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर यह चुंबकीय क्षेत्र रहने वाला है। तो म्यू नॉट एन आई 2πr, तो n क्या है यहाँ पे गियरों की संख्या होगी। ठीक है, क्या है यहाँ पे गियरों की संख्या होगी। इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले का यूज अपन आगे करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, जो अपन इसमें पढ़ेंगे एक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको याद रखना है, उसका उपयोग याद रखना है, और वो क्या उसका मान कितना होता है, उसमें जो दो कितनी कुंडलियाँ होती है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं अपन धारावाही वर्त्य कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही वर्त्य कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला याद रखना है, बस इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। जो थ्योरी आएगी वो चुंबकीय पदार्थ के गुण वाले चैप्टर में आएगी, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आएगी सबसे ज़्यादा थ्योरी, तो इसमें थ्योरी नहीं है, तो थ्योरी इसमें कम है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला याद रखना है, धारावाही वर्त्य कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, B = μ0 n I r² 2x x r² 3/2 = B0 sin 3 θ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला रहेगा, ये x एक्सिस हो गया, ये लंबाई क्या है x है, 0 से P तक जो, या O से P तक जो लंबाई रहेगी ये x हो गया। R क्या है, R इसकी त्रिज्या हो गई, ये जो आपकी वर्त्य कुंडली इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R हो गई। और n क्या है यहाँ पे, n अपन को गियरों की संख्या है इसे, I क्या है यहाँ पे धारा हो गई I, और म्यू क्या है, म्यू चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता जो अपन को पता है इसे, R का पता लगी गया, तो सब कुछ अपन को पता हो गया। और थीटा, थीटा का यूज करना है, थीटा वाला, तो थीटा यहाँ पे दे ही रखा है, तो B और P के बीच में जो B और जो मुख्य अक्ष के बीच में जो थीटा है वही थीटा हो गया। तो इस फॉर्मूले का अपन यूज करके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से अपन केंद्र पर धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, और इस जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इससे हम कुंडली पर वर्त्य कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे हम बढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ग्राफ अपने काम का नहीं, ग्राफ आते भी नहीं इतने खास, बहुत कम ग्राफ आते हैं। अब अपन बात करते हैं किसके, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली की, इसके बाद इसको बहुत टाइम बाद पढ़ेंगे, इसके बाद दो टॉपिक आएंगे आपके, साइक्लोट्रॉन वगैरह आएंगे, उनको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, आज ओनली हेल्महोल्ट्ज़ की कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इस क्लास को अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ क्या है टॉपिक का नाम, हेल्महोल्ट्ज़ लिख लेना आपके एनसीईआरटी में, शायद ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ डेफिनेशन बढ़िए आप कुंडलियाँ, आप सभी ऐसे में बोल के लिखवाऊंगा, उसको नोट कर लेना। इसमें कितनी कुंडलियाँ होती है, इसमें दो होती है, दो वर्त्य कुंडलियाँ होती है, इसमें कितनी, दो वर्त्य कुंडलियाँ होती है, तो आप सभी नोट करिए, दो समाक्षीय एंड एक समान, दो समाक्षीय, दो कोएक्सियल एंड एक समान वर्ताकार कुंडलियाँ लिखिए सभी स्टूडेंट्स, दो समाक्षीय एंड दो समाक्षीय तथा एक समान वर्ताकार कुंडलियाँ जिनमें समान परिणाम की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो तथा जिनके जिनके केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के समान हो, इस प्रकार की से व्यवस्थित कुंडलियों के युग्म को हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहते हैं। तो आप सभी एक बार नोट कर लीजिए दोबारा से, अगर आपने नोट नहीं किया हो तो, कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती है, कि दो समाक्षीय एंड एक समान वर्ताकार कुंडलियाँ जिनमें समान परिणाम की विद्युत धारा समान दिशा में, यानी कि उनमें क्या होता है, समान परिणाम की विद्युत धारा होती है और समान दिशा में क्या होती है, प्रभावित होती है, तथा जिनके जो केंद्र होते हैं उनके केंद्रों के मध्य की जो दूरी होती है वो उनकी त्रिज्या के समान होती है, उनकी त्रिज्या के क्या होती है, समान हो, तो इस प्रकार की व्यवस्थित कुंडलियों को क्या बोला जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहा जाता है, यानी कि जो दो कुंडलियाँ, दो कुंडलियों के मध्य की दूरी और उनकी त्रिज्या क्या होती है, समान होती है।
और इनमें जो धारा विद्युत धाराएं होती है वो सम्मान दिशा में क्या होती है, प्रभावित होती है दोनों कुंडलियों में, और सम्माक से सम्मान वर्ताकार कुंडलियाँ होती हैं जिसमें हेलम वोल्टेज कुंडलियाँ। अब हेलम वोल्टेज कुंडलियों का यूज कहाँ किया जाता है, तो हेलम वोल्टेज कुंडलियों का यूज मैं आपको बता देता हूँ कहाँ किया जाता है। तो इनका उपयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र लिख लो आप ऐसे ही क्योंकि आज सही से लिख, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने हेतु एक प्रायोगिक युक्ति के रूप में तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है रूप में उपयोग होता है इसका, किसका, हेलम वोल्टेज कुंडली का उपयोग कहाँ होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने हेतु एक प्रायोगिक युक्ति के रूप में उपयोग होता है हेलम वोल्टेज कुंडलियों का। और जो हेलम वोल्टेज कुंडलियाँ होती है ये कितनी होती है, संख्या में दो होती है, समान आकार की होती है, इनमें जो धारा होती है विद्युत धारा समान दिशा में प्रभावित हो रही होती है, और इनके मध्य जो केंद्रों के मध्य जो दूरी होती है इनकी त्रिज्या के समान ही हो, इस प्रकार इनको व्यवस्थित किया जाता है। तो हेलम वोल्टेज कुंडलियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, लगभग जो दोनों इन जो जो दो कुंडलियाँ होती है दो कुंडलियों के मध्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग एक समान रहता है। क्या होता है, एक समान रहता है, चुंबक क्षेत्र जो होता होगा तो एक समान रहता है। तो चीज़ भी आप नोट कर लेना कि हेलम वोल्टेज कुंडलियों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लगभग एक समान रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हेलम वोल्टेज में कुंडलियाँ कितनी होती है, दो होती है, समान आकार की होती है। इनका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है क्या होता है, लगभग समान होता है, और इनमें जो उपयोग होता है उपयोग क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने हेतु एक प्रायोगिक युक्ति के रूप में इनका उपयोग होता है। लास्ट में हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, जो चुंबक क्षेत्र का फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार बनने वाला है, B=1.432μ0nI2R। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बनने वाला है, लेकिन हम इसे इजी तरीके से और देखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1.432B0, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, B0 का, यानी कि चुंबकीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यही होता है। तो ये फॉर्मूले का यूज अपन यहाँ कर सकते हैं, मैंने आगे बताया था कि ये फॉर्मूला अपना काम आने वाला है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस आपका 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग मैंने 20 के लिए बोला था, लेकिन हो सकता है यार ऊपर नीचे हो ही जाता, कल वैसे क्लास नहीं हुई, सॉरी इसके लिए, लेकिन आपके लिए जल्द ही सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हुए, बस जल्द अब आप तैयारी पर लग जाओ। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी हो, आप नए हो चैनल पर, तो पहले वाली क्लासें भी जरूर देख लेना। धन्यवाद।